हाउ टू एक्सपोर्ट टू अर्जेंटीना फ्रॉम इंडिया, इंडिया से अर्जेंटीना को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां से वो खरीद रहा है, किस किस कंट्री से ज़्यादा खरीद रहा है और इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास में कैसी अपॉर्चुनिटी, कौन कौन से प्रोडक्ट है जो इंडियन एक्सपोर्टर टारगेट कर सकते हैं अर्जेंटीना में जहाँ पे उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, पूरी डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए हैं, बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो जरूर ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं यही देख लेता हूँ कि इंडिया का जो टारगेट है, टारगेट कंट्री यानी अर्जेंटीना, वो जो साउथ अमेरिका की कंट्री है कहाँ पे पड़ता है, मैं उसको ये देखिए, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है अर्जेंटीना, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है। और वो अगर आप देखेंगे कि मैं जो अपने एक्चुअल मैप में उसको दिखाता हूँ आपको, सो यहाँ पे आप हैं इंडिया में, आप हैं यहाँ पर इंडिया में, ये तो पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया है, इंडिया में आप हैं यहाँ पर बेसिकली। सो जो और उसमें साउथ अमेरिकन की कंट्री है, देखिए यहाँ पे मैंने आप ऑलरेडी यहाँ पे रेड सर्कल किया हुआ है, तो ये साउथ अमेरिका की कंट्री जो कि ये पेरू या ब्राजील या फिर चिली के पास में पड़ता है, यहाँ पे यूएसए है, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया ये, या ग्वाटेमाला हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है और ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। तो अब यहाँ पे शिपमेंट जाता कैसे, हमारा जो कंटेनर है वो शिप कैसे जाता है, सो जो हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ से स्यूज कैनल से निकाल के स्विट्जरलैंड साइड से ये यूएसए में इस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ से हम अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये वाला जो रूट है वो हमें बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा पड़ती है। सो इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से नवासिबा पोर्ट से यहाँ से निकलता है गाड़ी, यानी वेजल हमारा यहाँ से निकलता है और साउथ अफ्रीका से होते हुए यहाँ से इस तरीके से इस रूट से चला जाता है, जो कि हमें सस्ता पड़ता है और यहाँ पर रूट छोटा पड़ता है, जिससे कि आपकी जो जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो आपको सस्ती पड़ेगी अगर इस तरीके के डिसीजन आप लेंगे कि रूट कैसा छोटा सेलेक्ट करना है अगर वो अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं बेसिकली टॉप कंपिटिटर कंट्रीज़ की, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है सस्ता मटेरियल देने वाली कंट्री चाइना। चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना 12.6 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना को, या यू कहूं ऑन अदर वर्ड्स कि अर्जेंटीना चाइना से 12.6 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर ब्राजील है, जो कि वो भी साउथ अमेरिका की ही कंट्री है। ब्राजील से कितना इंपोर्ट कर रहा है, ब्राजील से जो अर्जेंटीना है वो 12 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर मटेरियल खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे यूएसए आता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए से कितना खरीद रहा है, अर्जेंटीना 6.41 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर खरीद रहा है अर्जेंटीना यूएसए से। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पे जर्मनी आता है, जो कि जर्मनी एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो जर्मनी से 2.68 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर खरीद रहा है अर्जेंटीना। अगर मैं बात करूँ ये पैराग्वे की, जो कि वो भी साउथ अमेरिका की कंट्री है, तो पैराग्वे से वो 2.65 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहे हैं पैराग्वे से अर्जेंटीना। अगर मैं बात करूं सर इसमें आगे कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा इंडिया भी एक्सपोर्ट कर सकता है, उससे पहले बता दें बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, जो पूरा 17 सालों में हमने सेल्फ एक्सपीरियंस करके सीखा है वो पूरा एक्सपीरियंस आपको देते हैं, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी होती है और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है मिनरल ऑयल, मिनरल फ्यूल, ये टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना, इंपोर्ट कर रहा है 12.1 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 15.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है मशीनरी, जो मैकेनिकल मशीनरी वो 10.9 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 14.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना।
अगर मैं थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल आइटम टोटल कितना खरीद रहा है अर्जेंटीना, इलेक्ट्रिकल आइटम खरीद रहा है 8.1 बिलियन US डॉलर का, दैट इज अराउंड 10.6% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। देखिए कितना बड़ा वैल्यू, 10% तो वो इलेक्ट्रिकल आइटम खरीद रहा है। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं कि फोर्थ नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है सर जो कि अर्जेंटीना सबसे ज्यादा खरीद रहा है, तो वो आता है व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल। तो व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स कितना अर्जेंटीना खरीद रहा है, अर्जेंटीना पर ईयर 7.5 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, दैट इज अराउंड 9.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। अगर मैं बात करूं फिफ्थ नंबर की, फिफ्थ नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो फिफ्थ नंबर पे आता है ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल भी 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना, जो कि हम गुजरात से भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट कीजिए अर्जेंटीना को, दैट इज अराउंड 5.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। अगर मैं सिक्स नंबर की बात करूं कि सर सिक्स नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है जो कि अर्जेंटीना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अर्जेंटीना यहां पे आता है अर्जेंटीना का सिक्स टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास में गुजरात में मोर देन 5000 जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म्स है, जो कि 40 से 50% कंपनीज ऐसी जो कि एक्सपोर्ट करती है, रिमेनिंग यहीं पे लोकल में काम करती है और यहीं पे कंज्यूमशन हमारा हो जाता है। सो मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट कीजिए अर्जेंटीना को, तो आपको टारगेट करेंगे अर्जेंटीना को तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अर्जेंटीना प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, 3.35 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है अर्जेंटीना प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट, दैट इज अराउंड 4.4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। अगर मैं सेवंथ नंबर की बात करूं कि सर सेवंथ नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो सेवंथ नंबर पे आता है मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए भी मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे पास गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो ही स्टेट को मिला के हमारे पास मोर देन 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स है। अब आप बोलेंगे सर FDA का क्या जरूरत है, भैया अमेरिकन कंट्री कोई नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हो या फिर वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री में किसी भी अमेरिकन कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या फिर आपको मेडिसिन एक्सपोर्ट करनी, तो आपको FDA चाहिए चाहिए, तो FDA के बिना आपको वहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो आप मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो लोग हैं या उसके आसपास के स्टेट के लोग हैं, तो आप वहां से लेके मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कीजिए, टारगेट आप कीजिए अर्जेंटीना को, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना कितना इंपोर्ट कर रहा है, अर्जेंटीना 3.08 बिलियन यूएस डॉलर का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मेडिसिन दवाइयां इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। अगर मैं 8th नंबर की बात करूं कि 8th नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है सर, तो 8th नंबर पे आता है फर्टिलाइजर्स, यानी नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरीके के फर्टिलाइजर्स, वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, 2.5 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। अगर मैं बात करूं 9th नंबर पे आता है ऑयल सीड से, वो इंपोर्ट करता है जैसे सरसों का सीड हो गया, यानी मस्टर्ड ऑयल का सीड बीज, तो यानी सरसों होगी या फिर जो कैस्टर है कैस्टर ऑयल हो गया, मूंगफली पीनट हो गया, इस टाइप की जो ऑयल सीड है ऑयल सीड, वो 2.1 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 2.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। अगर मैं बात करूं 10 नंबर की, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो 10 नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, आयरन एंड स्टील आता है, जो कि इंडिया से भी काफी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। तो आयरन एंड स्टील कितना इंपोर्ट कर रहा है, 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 2.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, आ ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है अर्जेंटीना के बारे में, तो उसमें इकोनॉमी सबसे पहले आती है, तो $1 trillion में उनकी इकोनॉमी है। कितनी इकोनॉमी है, 1.27 trillion US डॉलर का इकोनॉमी है। पॉपुलेशन देख लेते हैं, तो पॉपुलेशन 4.66 करोड़ का पॉपुलेशन है। पर कैपिटल इनकम जबरदस्त निकल के आता है क्योंकि इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त है, तो देखिए 27,000 US डॉलर का पर कैपिटल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है लगभग 22 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति आय है, जो कि हमारी 2 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटल इनकम है, तो हमसे 10 गुना उसकी बाइंग पोटेंशियल है,
पर कैपिटा इनकम है। अगर मैं बात करूं कि टोटल एक्सपोर्ट कितना करता है, सो बेसिकली जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी 68 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है। टोटल इंपोर्ट 60 बिलियन यूएस डॉलर का कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि लैंग्वेज क्या है, तो स्पेनिश लैंग्वेज चलती है। और करेंसी की बात करें तो यूएसए का यानी अमेरिका की कंट्री है, तो यूएस डॉलर ही चलता है, या सॉरी यहाँ पे अर्जेंटीना पीसो चलता है, दैट इज इक्वल टू 0.30 INR इंडियन रुपीस के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस इंडियन को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा, डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू एड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.